हेलो फ्रेंड्स, ऑटोनॉमस एकेडमी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है गन डायोड। पिछले वीडियो में हमने टनल डायोड पर चर्चा की थी। जैसा कि हमने देखा था, टनल डायोड एक नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक इसी प्रकार से गन डायोड भी एक नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है, एक ऐसा डायोड है जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी की ऑसिलेशंस को जनरेट करता है। हम जानते हैं कि एक पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में लार्ज अमाउंट की करंट फ्लो होती है, लेकिन यदि हम रिवर्स बायसिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड से बहुत ही नाम मात्र की करंट प्रवाहित होती है। हम कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड एक ऐसी डिवाइस होती है जो केवल एक ही दिशा में करंट को फ्लो करती है और दूसरी दिशा से करंट के फ्लो को रोक देती है। गन डायोड में कोई पीएन जंक्शन नहीं होता, इसमें एक ही प्रकार का अर्धचालक इस्तेमाल किया जाता है। प्रायः हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का ही इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और गन डायोड को एक ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस या एक नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस डिवाइस के रूप में हम पहचानते हैं। गन डायोड एक लो पावर लोकल ऑसिलेटर के जैसे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उत्पन्न होने वाली माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी की रेंज 1 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। 1960 में जेबी गन जब गैलियम आर्सेनाइड के साथ प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जब अप्लाइड वोल्टेज का मान 2 से 4 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर के थ्रेशोल्ड वैल्यू से जब अधिक बढ़ाया जाता है, तब उन्होंने पाया कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में सर्किट से करंट फ्लक्चुएशन के कारण एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये जो ध्वनि है एक नियमित समय अंतराल में उत्पन्न होती है, इसलिए परिपथ को हम एक दोलित्र के समान मान सकते हैं। जब परिपथ में थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तब इलेक्ट्रॉन बहुत ही अधिक ग्रेटर वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं और इस ग्रेटर वेलोसिटी के कारण इन इलेक्ट्रॉनों को हम हॉट इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इसलिए हम इस प्रकार के डायोड को हॉट डायोड भी कहते हैं। इस चित्र में आप गन डायोड के सिंबल को देख पा रहे हैं और यह चित्र हमें गन डायोड की संरचना को प्रदर्शित करता है। चित्र से स्पष्ट है कि 2N+ रीजन के बीच में हमने एक N रीजन को सैंडविच किया है। ये जो बीच वाला रीजन है इसे हम एक्टिव लेयर कहते हैं और ये साधारण डोपिंग वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर है, जबकि इसके दोनों ओर हमने अधिक डोपिंग वाले एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्रयुक्त किया है। एन प्लस रीजन के साथ हमने एक कांटेक्ट पॉइंट निकाला है, इसे हमने मेटल कांटेक्ट कहा है और ये वास्तव में हमारे गन डायोड के 2 टर्मिनल हैं। एक को हम एनोड कहते हैं, दूसरे को हम कैथोड कहते हैं। यह चित्र गन डायोड के वास्तविक संरचना चित्र को प्रदर्शित करता है। इसमें गोल्ड प्लेटेड स्टब के ऊपर हमने गैलियम आर्सेनाइड पदार्थ से बनी 3 लेयर डिवाइस को यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया है। ये जो बीच वाली लेयर है साधारण डोपिंग वाली, इस लेयर को हम एक्टिव लेयर कहते हैं और इस एक्टिव लेयर की जो विड्थ है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। एक्टिव लेयर के कंसेंट्रेशन के आधार पर हम गन डायोड से उत्पन्न होने वाली ध्वनि की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर पाते हैं। यदि हम गन डायोड में कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड वोल्टेज का अधिकांश वोल्टेज ड्रॉप इसी एक्टिव लेयर के आसपास होता है। गन डायोड वास्तव में गन इफेक्ट पर काम करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आइए अब हम जानते हैं गन इफेक्ट क्या होता है। कुछ पदार्थों में प्रायः वर्ग 3 और वर्ग 5 के जो कंपाउंड है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फास्फाइड, इनमें देखा गया है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक निश्चित मान से, एक थ्रेशोल्ड लेवल से जब अधिक बढ़ाया जाता है, तब इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने के साथ बढ़ने की बजाय घटने लगती है और इस कारण से डिवाइस नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करने लगती है। इस प्रकार के मटेरियल से बनी 2 टर्मिनल डिवाइस
एक तरह से माइक्रोवेव ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने लगती है। इस प्रकार के परिपथ से उत्पन्न होने वाली आवृत्ति प्रयुक्त किए गए पदार्थ पर निर्भर करती है, ना कि बाह्य परिपथ पर। गन इफेक्ट की खोज वैज्ञानिक जेबी गन ने 1963 में आईबीएम कंपनी में कार्य करते हुए की थी। जेबी गन ने पाया कि कुछ पदार्थ, विशेषकर गैलियम आर्सेनाइड में इलेक्ट्रॉन अपनी हाई मास लो वेलोसिटी स्टेट में भी पाया जा सकता है, जो कि उसकी एबनॉर्मल स्टेट होती है। वास्तव में कोई इलेक्ट्रॉन लो मास और हाई वेलोसिटी स्टेट में होता है, इलेक्ट्रॉन की यह नेचुरल स्टेट कहलाती है। लेकिन यदि सर्किट में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सफिशियंट स्ट्रेंथ का हो, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो इलेक्ट्रॉन अपनी नेचुरल स्टेट से अपनी एबनॉर्मल स्टेट में पहुंचता है। अर्थात लो मास हाई वेलोसिटी स्टेट से इलेक्ट्रॉन हाई मास लो वेलोसिटी स्टेट में पहुंच सकता है। हाई मास लो वेलोसिटी स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के क्लस्टर्स का या डोमेन्स का निर्माण करते हैं, जो कि एक निश्चित दर से सर्किट को क्रॉस करते हैं, जिसके कारण सर्किट से पल्स के रूप में करंट प्रवाहित होने लगती है। इस इफेक्ट को बाद में गन इफेक्ट के नाम से जाना गया, और हमारा जो गन डायोड है वो इसी इफेक्ट पर काम करता है। गन डायोड को बनाने के लिए जर्मेनियम या सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए हमें डायरेक्ट बैंड गैप कंपाउंड सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करना होता है। प्रायः हम गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल करते हैं। इस चित्र में डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को प्रदर्शित किया गया है। इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की बात करें तो हम जर्मेनियम या सिलिकॉन को ले सकते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के रूप में, जबकि हम डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के रूप में यहाँ हमने गैलियम आर्सेनाइड को लिया है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड का जो शीर्ष है वो कंडक्शन बैंड के शीर्ष के ठीक आमने सामने है, जबकि इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि संयोजी बैंड का जो शीर्ष होता है और चालन बैंड का जो शीर्ष होता है वो एक दूसरे के ठीक आमने सामने नहीं होते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन संयोजी बैंड से चालन बैंड में अथवा चालन बैंड से संयोजी बैंड में सीधे सीधे ही हो जाता है। न्यूनतम ऊर्जा का अवशोषण होता है या फिर न्यूनतम ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में हम देखते हैं कि चूंकि चालन बैंड और संयोजी बैंड के शीर्ष एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का अवशोषण या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन सीधे न होकर एक इंटरमीडिएट स्टेट में होता है, और इंटरमीडिएट स्टेट से होते हुए फिर वो दूसरे बैंड में ट्रांसफर होता है। तो इस प्रोसेस में हीट का जनरेशन होता है। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण हमें लाइट एनर्जी प्राप्त होती है, जबकि इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण हमें हीट निकलती हुई हीट का प्रोडक्शन होता है। इस चित्र में डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बैंड स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है। ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। वैलेंस बैंड को में हम देख रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और यदि इन इलेक्ट्रॉनों को सफिशियंट एनर्जी मिलती है तब फिर ये अपने वैलेंस सेल को त्यागते हैं और फ्री स्टेट में आ जाते हैं, अर्थात ये कंडक्शन बैंड में पहुँचते हैं। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड की संरचना कुछ इस प्रकार है कि इसका जो कंडक्शन बैंड है वास्तव में ये दो प्रकार की वैलीज में डिवाइडेड होता है। एक को हमने नाम दिया सैटेलाइट वैली और दूसरे को हमने दिया सेंट्रल वैली। सेंट्रल वैली का जो शीर्ष है वो हमारे वैलेंस बैंड के शीर्ष के ठीक सामने है, अर्थात वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन यदि उत्तेजित होता है तो वो सीधे ही सेंट्रल वैली में पहुंचेगा। सेंट्रल वैली का आकार सैटेलाइट वैली की तुलना में कम होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनों को धारण करने की क्षमता कम होती है सैटेलाइट वैली की तुलना में, अर्थात यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे वो सीधे सेंट्रल वैली में पहुँचेंगे, और यहाँ जब सेंट्रल वैली पूरी तरह से भर जाएगी तब फिर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर सैटेलाइट वैली में होता है।
चित्र से स्पष्ट है कि सेंट्रल वैली और सैटेलाइट वैली के आकार भिन्न भिन्न हैं। सेंट्रल वैली आकार में छोटी है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि सैटेलाइट वैली आकार में बड़ी है, ये इसमें बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि सेंट्रल वैली में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी नेचुरल स्टेट में होंगे, नेचुरल स्टेट अर्थात हाई वेलोसिटी और लो मास की स्टेट में होंगे, जबकि सैटेलाइट वैली में इलेक्ट्रॉन अपनी एबनॉर्मल स्टेट में होंगे अर्थात हाई मास लो वेलोसिटी स्टेट में होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन की नेचुरल स्टेट और एबनॉर्मल स्टेट है, इनमें ट्रांजिशन कैसे होता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बदलती है, इस बात को अब हम समझते हैं। जब गन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग दी जाती है और यदि लगाए गए वोल्टेज का मान, अप्लाइड वोल्टेज का मान थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो या फिर वोल्टेज का मान लगभग शून्य हो, तब हम देखते हैं कि थर्मल एक्साइटेशन के कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के द्वारा सेंट्रल वैली में पहुंचते हैं। अब यदि इस दौरान हम अप्लाइड वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाएं, तब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो मोबिलिटी है वो लगाए गए विभव या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लीनियरली इंक्रीज होती है। हम देखते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज का मान जब तक थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होता है, तब तक इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगाए गए अप्लाइड वोल्टेज के साथ धनात्मक रूप से बढ़ती जाती है, पॉजिटिवली इंक्रीज होती है। अब यदि अप्लाइड वोल्टेज का मान और अधिक बढ़ाया जाता है, तब हम देखते हैं कि सेंट्रल वैली से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर सैटेलाइट वैली में होने लगता है। अब चूंकि सैटेलाइट वैली का आकार बड़ा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर जब सेंट्रल वैली से सैटेलाइट वैली में होता है, तब उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम होने लगती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में सैटेलाइट वैली में कन्वर्ट होने लगती है। हम यह कह सकते हैं कि सेंट्रल वैली में जहां की इलेक्ट्रॉन लो मास हाई वेलोसिटी स्टेट में थे, जब वे सैटेलाइट वैली में आते हैं तब फिर वे हाई मास लो वेलोसिटी स्टेट में आ जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन सेंट्रल वैली से सैटेलाइट वैली में प्रवेश करते हैं, तब उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कमी आ जाती है, और यही वास्तव में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यही जो कमी आ रही है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस को क्रिएट करती है, नेगेटिव रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करती है। चित्र में गन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्रदर्शित है। हमने इसमें एक्स अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया है और वाई अक्ष में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिया है। ग्राफ कुछ इस प्रकार है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक निश्चित मान, जिसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के पहले तक, हमें ग्राफ इस प्रकार की सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.32 वोल्ट पर माइक्रोमीटर, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड की थ्रेशोल्ड वैल्यू माना है। हम यहाँ तक देखते हैं कि जब वोल्टेज का मान या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इससे कम रहता है, तो हमें ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती रूप से, रैखिक रूप से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के इस मान को हमने ETH, थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से यहाँ प्रदर्शित किया है, और हम देखते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी प्लस DVD/DE, अर्थात यहाँ पर मोबिलिटी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी इस एरिए में, इस रीजन में पॉजिटिव है। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और अधिक बढ़ाते हैं, तब हम देखते हैं कि ETH से लेकर EH तक जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है, तब हम देखते हैं कि वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के साथ इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कमी आने लगती है। इस समय हमने इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी को -DVD/DE से प्रदर्शित किया है, और ये जो रीजन है ये वास्तव में
नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को प्रदर्शित कर रहा है। यहां EH अर्थात हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बिंदु तक हम देखते हैं कि ETH से लेकर थ्रेशोल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड तक हमें नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस रीजन प्राप्त होता है। यदि हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और अधिक बढ़ाते हैं तब हम देखते हैं कि इस दौरान सैटेलाइट वैली इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह भर चुकी है और अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने पर हमें इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी में एक बार फिर सामान्य रूप से वृद्धि दिखाई देती है, अर्थात यहाँ पर मोबिलिटी फिर एक बार पॉजिटिव हो जाती है। हम देख रहे हैं कि गन डायोड टनल डायोड के समान एक नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस है और हर नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस को हम एक ऑसिलेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। गन डायोड का उपयोग भी हम एक लो पावर ऑसिलेटर के रूप में करते हैं, एक ऐसा ऑसिलेटर जो कि माइक्रोवेव रीजन की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। हमने देखा कि गन डायोड गन इफेक्ट पर कार्य करता है और गन इफेक्ट को समझने के लिए हमने कंडक्शन बैंड में दो वैलीज की कल्पना की, एक सेंट्रल वैली और एक सैटेलाइट वैली। सेंट्रल वैली आकार में छोटी होती है, इसमें कम इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, जबकि सैटेलाइट वैली आकार में बड़ी होती है और इसमें बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेंट्रल वैली में इलेक्ट्रॉन अपनी नेचुरल स्टेट अर्थात हाई वेलोसिटी लो मास की स्टेट में होते हैं और सैटेलाइट वैली में इलेक्ट्रॉन अपनी एबनॉर्मल स्टेट में होते हैं अर्थात हाई मास लो वेलोसिटी स्टेट में होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन सेंट्रल वैली से सैटेलाइट वैली में प्रवेश करते हैं इस दौरान उनकी मोबिलिटी में परिवर्तन आता है। मोबिलिटी में आए इस परिवर्तन के कारण ही हमें ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन प्राप्त होता है और चूंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन हमारे लिए ऑसिलेटर के लिए बहुत काम की चीज़ है, इसलिए हम गन डायोड को इतना अधिक महत्व देते हैं। आगे हम उपयोग में देखेंगे कि गन डायोड बहुत अधिक स्थानों पर काम में लाया जाता है। आइए अब हम गन डायोड या गन ऑसिलेटर के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं। गन डायोड बहुत ही भरोसेमंद डिवाइस होती है जो किसी स्थान पर बहुत आसानी से इंस्टॉल की जा सकती है। इनका उपयोग लो नॉइस सोर्स के रूप में किया जाता है, जैसे लोकल ऑसिलेटर, लॉकिंग ऑसिलेटर्स, लो एंड मीडियम पावर ट्रांसमीटर्स तथा मोशन डिटेक्शन सिस्टम में इनका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए टेलीमेट्री सिस्टम में इनका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। किसी अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर्स की तुलना में माइक्रोवेव सोर्स का उपयोग करना इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि माइक्रोवेव सोर्स धूल भरे व खराब वातावरण में भी बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। एक गन ऑसिलेटर के लिए बहुत ही कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है जो कि बैटरी के द्वारा आसानी से दिया जा सकता है। हालांकि माइक्रोवेव की कुछ कमियां भी हैं, जैसे यह ब्रिक्स, टारमेक और कंक्रीट से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जलवाष्प से ये छीण हो जाती हैं। फिर भी गन सेंसर्स का इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज बहुत अधिक किया जाता है। हम देखते हैं कोलिजन अवॉइडेंस राडार, ट्रैफिक एनालाइजर सेंसर्स, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी सिस्टम, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन, मूवमेंट सेंसर्स, लो स्पीड सेंसर्स, ट्रैफिक सिग्नल एक्चुएटर्स, डोर ओपनिंग सेंसर्स, प्रोसेस कंट्रोलिंग डिवाइसेस जैसे ऑब्जेक्ट काउंटिंग, पेरीमीटरी प्रोटेक्शन, कॉन्टैक्टलेस वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर्स व्हीकल में, ABS सिस्टम्स में, ब्लाइंड स्पॉट कार राडार, एलेप्स डिस्टेंस मीटर्स, प्रेजेंस एंड एब्सेंस इंडिकेटर्स, डिस्टेंस मेजरमेंट, लेवल सेंसर, प्रॉक्सिमिटी मूवमेंट डिटेक्टर्स, बैरियर ऑपरेशन, इंट्रूडर या बर्गलर अलार्म्स में, ट्रेन डी रेलमेंट सेंसर्स, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर गन ऑसिलेटर का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज के इस मॉड्यूल में हमने एक और नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस गन डायोड पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि गन डायोड का यह लेक्चर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चैनल के वीडियो देखते रहें और अपने अमूल्य सुझाव हमें भेजते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।